हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ की लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। ये तीन चीजों से बनकर तैयार हो जाता है और समय भी बहुत कम लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ की लड्डू बनाना शुरू करते हैं। कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है। तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है, हमने 200 ग्राम तिल लिया है जिसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है। 150 ग्राम हमने गुड़ लिया है जिसे हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिए हैं और 2 चम्मच हम देसी घी लिए हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख लिया है और हम गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तेल को हमने 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूना है तो इसमें से हल्की हल्की चटकने की आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं। अब हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, इसमें हल्का सा आवाज आने लगे। इसे हम ऐसे हथेली में लेके मैश भी सकते हैं तो ये आराम से मैश भी जाए। तो आप समझिए कि अपना तिल भून चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और आधे मिनट तक और चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, कड़ाही गर्म है तो नीचे वाले हिस्से में तिल अपना ज्यादा डार्क नहीं भून पाएगा और इसे एक पकड़ के सहारे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ऐसे हम एक पकड़ के सहारे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसी कढ़ाही में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम गुड़ को पिघलाएंगे। फ्लेम को तेज नहीं करना है जब तक कि गुड़ अपना अच्छे से पिघल ना जाए। तो 2 से 3 मिनट लगता है, गुड़ अच्छे से पिघल जाता है। 3 से 4 मिनट में अपना गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लिए हैं और अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, बीच में बिल्कुल ही नहीं रुकना है, नहीं तो गुड़ जो है वो पेंदी में लग जाता है। तो ऐसे हम 2 से 3 मिनट और चलाते हुए गुड़ को पकाएंगे, फिर चेक करेंगे चाशनी। गुड़ को हमने मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट तक पकाया है। आप देखिए गुड़ में झाग आ गया है और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम चाशनी चेक करेंगे। तो हम एक कटोरी में पानी लेंगे और चाशनी के कुछ ड्रॉप उसमें गिराएंगे। फिर हम इसे अंगुलियों से ऐसे उठा के देखेंगे। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। तो हम चाशनी निकाल के ऐसे तोड़ रहे हैं, एक टूट जा रहा है। इसका मतलब अपनी चाशनी जो है परफेक्ट तैयार हो गई है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसमें तिल डालेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा तिल डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे बराबर। तो ऐसे हम तिल को डाल देंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। से देखिए हमने जितना चाशनी बनाया था उसमें तिल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, नहीं तो ये हाथ में चिपकने लगेगा। तो हम इसे 1 मिनट तक ठंडा करेंगे। अब हम कढ़ाई को गैस से उतार लेंगे और हम चम्मच लेंगे और चम्मच से 1 चम्मच हम तिल निकालेंगे।
और इसको दूसरे चम्मच के सहारे ऐसे पहले गोल करेंगे। इससे क्या होगा, तिल जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसे हथेली में लेके और ऐसे गोल कर देंगे। तो ये अपनी परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी बढ़िया लड्डू बनी है। तो बाकी के भी हम लड्डू ऐसे ही बनाएंगे। चम्मच से हम थोड़ा सा निकालेंगे पोर्शन और दूसरे चम्मच से इसे ऐसे कर लेंगे। फिर हम इसे हथेली में लेके और ऐसे गोल कर देंगे। ये बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। हाँ, ये प्रोसेस हम बहुत ही फास्ट करेंगे, क्योंकि गुड़ अपना ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाना हार्ड हो जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी इसे करेंगे। घर में कोई दो मेंबर हो तो मिलके कर सकते हैं, अकेले हो तो स्पीड बढ़ा दीजिए। तो हम एक एक चम्मच निकालेंगे और हाथ में लेंगे। इससे क्या होगा, एक ही साइज की अपनी तिल की लड्डू तैयार होगी। तो आप देखिए कितनी बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो रही है। हमने तिल के लड्डू को तैयार कर लिया है। मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ की लड्डू बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। इसे संक्रांति स्पेशल तो कहते हैं, पर ठंडी के सीजन में आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। ये बड़ा ही हेल्दी लड्डू माना जाता है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।